फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोटेक्टिव फूड्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ फूड्स। हमने एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में बात कर लिया, हमने जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में बात कर लिया, अब बारी है प्रोटेक्टिव फूड्स की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसे फूड आइटम्स जो हमारी रक्षा करते हों, उन्हीं को तो हम प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना होता है, तो ऐसे फूड आइटम्स जो हमारी या हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव फूड्स में आप देख सकते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी। दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं किससे, डिजीजेस से, बीमारियों से, एंड कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि फूड स्टफ्स कंटेनिंग विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन और मिनरल खूब हो, उस तरह के फूड को हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। अब प्रोटेक्टिव फूड के लिए एक छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, फूड हैविंग विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स आर फाउंड इन, इन सब में विटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स हेल्थ इन वेरियस वेज बियॉन्ड देयर कन्वेंशनली इस्टेब्लिश्ड न्यूट्रिएंट फंक्शंस सच एज बाय इन्हेंसिंग इम्यून फंक्शन। जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं यानी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं, वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें प्रोटेक्टिव फूड जरूर खाना चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड आर फूड विच कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजेज। वो सारा फूड जो हमें बीमारियों से दूर रखता है उन सबको हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव फूड। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं हमारे बॉडी को। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स नीडेड बाई अवर बॉडी। हमारे शरीर को कई तरह के विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। हमारे जो बॉडी है उसको कई तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कई तरह के मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और बीमारियों से बची रह सके। हाँ, ये विटामिन्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। आवर बॉडी नीड्स दीज विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज ओनली। बहुत थोड़ी मात्रा में हमको विटामिन्स की ज़रूरत होती है, एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। ये अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग विटामिन्स पाए जाते हैं, इसीलिए वी शुड इंक्लूड ऑल सच फूड आइटम्स इन अवर फूड। इसीलिए हम लोगों को अपने खाने में हर तरह के पदार्थ का, हर तरह के खाद्य पदार्थ का यूज करना चाहिए, ताकि कुछ विटामिन अगर इस खाद्य पदार्थ से मिल रहे हैं तो दूसरे खाद्य पदार्थ से भी कुछ विटामिन हमको मिलें। इसी तरह अलग अलग फूड मटेरियल खाने से, अलग अलग फूड मटेरियल से अलग अलग तरह के मिनरल्स हमको, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सब मिलते हैं, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। तो इन फ्रूट आइटम्स को खाने से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल से और फ्रूट से,
इन्हीं से हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, और इन्हीं फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रोटेक्टिव फूड।